एमबीए चाय वाले से इंस्पायर होकर बिहार में एक लड़की ने भी बिजनेस शुरू किया। पटना विमेंस कॉलेज के बाहर टी स्टॉल लगाकर फेमस हो गई प्रियंका गुप्ता। उसको ग्रेजुएट चाय वाली कहकर बुलाए जाने लगा। सोशल मीडिया पर अभी उसने एक और वीडियो शेयर किया है और अपनी आप बीती बताई है। उसमें प्रियंका गुप्ता रो रही है और अपना बिजनेस बंद करने का ऐलान भी कर रही है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल प्रियंका गुप्ता आरोप लगा रही है कि नगर निगम की कमिश्नर से उसको परमिशन लेटर भी मिला था, लेकिन फिर भी उसका स्टॉल बार बार गायब हो जाता था। वो इससे परेशान हो चुकी थी। प्रियंका ने इसी बारे में वीडियो बनाई है और इस वीडियो में उसने सारी बातें बताई है कि उसके साथ क्या क्या इतने दिनों से हो रहा है। वो साथ ही साथ शराबबंदी पर भी आवाज़ उठाती है। वो बोलती है कि बिहार में अवैध शराब बिकती है, लेकिन एक लड़की का बिजनेस नहीं चलाया जा सकता क्योंकि यहाँ के लोग सपोर्टिव नहीं हैं। वो बहुत कुछ कहती है और एग्जैक्टली उसने क्या क्या कहा है आप खुद सुनिए। आप सब तो मुझे जानते ही होंगे, ग्रेजुएट चाय वाली, सो कॉल्ड ग्रेजुएट चाय वाली। हद भूल गए थे अपना, मुझे क्या पता था कि, मुझे लगा था कि हम बिहार में कुछ डिफरेंट कर रहे थे, अभी तो आप लोग सपोर्ट कर रहे थे ना, लेकिन हम अपना हद भूल गए थे। ये बिहार है बिहार, यहाँ लड़कियों की औकात बस इतनी होती है वो लोग किचन तक सीमित रहती है, होना भी चाहिए। लड़कियों को आगे बढ़ने का कोई हक नहीं होता। यहाँ पटना में बहुत सारा कांड लगता है, बहुत सारा इलीगल तरीके से बहुत काम होता है पटना में, शराब बेचा जाता है इलीगल तरीके से, लेकिन वहां सिस्टम एक्टिव नहीं होता। लेकिन कोई लड़की अगर अपना बिजनेस कर रही है उसको बार बार परेशान किया जाता है, बार बार। हद भूल गए थे ना अपना, मेरी औकात बस किचन तक है, चूल्हा चौका करना, शादी करके अपने घर जाना, बिजनेस करना तो मेरा अधिकार है ही नहीं। जब मुझे नगर निगम के कमिश्नर सर से परमिशन मिला है कि हम वहां कुछ दिन के लिए लगा सकते हैं कार्ड, तो बार बार मेरा कार्ड बिना इन्फॉर्म किए हुए कैसे उठा लिया जाता है वहां से। हम हार मान गए सिस्टम के सामने। मैंने जिन जिन से फ्रेंचाइजी में, जिन जिन लोगों ने मेरा फ्रेंचाइजी बुक किया है, उनको उनके पैसे वापस करने जा रहे हैं, कंपनी बंद करने जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं वापस। थैंक यू नगर निगम, थैंक यू बिहार के सिस्टम, आप लोगों ने मुझे मेरी औकात दिखा दी कि लड़की हो घर में रहो, बाहर निकल के कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिहार है, बिहार है ये।